नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने क्लास 10th वाले दोस्तों को बताया था कि अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी या लॉकडाउन की वजह से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं कर पाई थी अपने क्लास की, तो भी आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो है एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जो कि 60 दिनों की सीरीज है दोस्तों। लेकिन अब आप लोगों को जाग जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्जाम डेट जो है धीरे धीरे करीब आ रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को जो है इस सीरीज के साथ में बने रहना चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों इस सीरीज के साथ में बने रहेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोगों को जो है मेरे साथ में बने रहना होगा, ठीक है दोस्तों? तो हम लोगों ने जो है इस सीरीज में कई वीडियोज कर लिए हैं, ठीक है? आप लोगों का मैंने जो है त्रिकोणमिति जो है स्टार्ट किया है, तो उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है अपने अगले वीडियो में देखते हैं कि हम लोगों के चैप्टर का जो है कौन सा सवाल बाकी रह गया है, क्या हम लोगों को आगे करना है, ठीक है दोस्तों? हम लोगों का दोस्तों जो है 7 सवाल हो चुका है, ये हम लोगों का 8वां सवाल है। ये जो है हम लोग देखते हैं क्या है। यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 tan² a / 1 tan² a = cos² a - sin² a ठीक है या नहीं है, मतलब ये हम लोगों को बताना है या नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों ये सब हम लोग कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले जो है हम लोग वही अपना पुराना वाला जो है नियम स्टार्ट करेंगे और उसके हिसाब से जो है हम लोग पहले देखिए, क्योंकि कास साइन ये सब भी इसमें दिए गए हैं, तो हम लोगों को जो है त्रिभुज के सारे मान जो है लंब आधार कर्ण जो है पता होने चाहिए, तभी हम लोग जो है इसका मान रखकर जो है बराबर करके दिखा पाएंगे। एक बार इसका मान हम लोग रखेंगे दोस्तों, जितना आएगा ठीक है उसी के लिए जो है दोस्तों हम लोग इसका मान फिर से चेक करेंगे। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो समझ लीजिए कि ये दोनों जो है सही है, मतलब बराबर है, ठीक है दोस्तों? आप लोगों को मैंने पिछले सवाल में बता दिया था कि अगर इस तरीके से कोई भी दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 3 जो है ये काट ए के साथ में गुड़े में है, ठीक है? तो बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं, हो जाएगा काट ए बराबर 4/3, ठीक है? 4/3 ये हम लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को पता है दोस्तों लाल बटे कक्का से, ठीक है, LAL / KKA, जिसमें आप लोग जानते हैं दोस्तों कि L होता है लंब, A होता है आधार और K होता है कर्ण, ठीक है? ये आप लोगों का साइन के लिए है दोस्तों, ये है आप लोगों के कास के लिए और ये आप लोगों के लिए टैन के लिए है, ठीक है दोस्तों? आप लोगों को यह भी पता है दोस्तों कि टैन का उल्टा काट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है? तो काट का मान दिया गया है, तो काट का मान हम लोग देख लेते हैं पहले दोस्तों कि क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये 4 जो है ये आधार है हम लोगों का, ठीक है, आधार है, और 3 ये जो है ये लंब है, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग जो है त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए जो है ये कोई कोण है बी, ठीक है, ये समकोण है, ये हम लोगों का ए कोण है और ये जो है ये सी है, ठीक है, नामकरण कर दिया। उसके बाद में ए कोण के बारे में समझ लीजिए हम लोगों ने बात की है, ठीक है, काटे के बारे में बात की जा रही, तो इस कोण के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो अब हम लोग जो है क्योंकि इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी संलग्न भुजा जो है ए बी है, तो संलग्न भुजा ही हमेशा जो है आधार होती है दोस्तों, आधार मतलब बेस, ठीक है, और इसके सम्मुख भुजा जो होती है दोस्तों वो हमेशा जो है लंब होती है, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा जो है कर्ण होती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होता है कर्ण, यही सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है दोस्तों? अब हम लोग जो है मान रख देते हैं, आधार का मान जो है 4 दिया गया है, 4 लिख लिया, ठीक, लंब का मान 3 दिया गया है, 3 लिख लिया, ठीक है दोस्तों? हमेशा की तरह जो है हम लोग सबसे पहले जो है जो बची हुई भुजा है उसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है,
दोस्तों आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जानते हैं आप लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को ये हमेशा जो है पेपर में आप लोगों के लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, कर्ण हम लोगों को निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसी है। एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, हम लोग को आधार चार दिया गया, चार स्क्वायर। उसके बाद में दोस्तों प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हम लोग को तीन दिया गया है, तो तीन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा और तीन का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एसी का स्क्वायर इधर ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 16 और 9 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एसी का मान दोस्तों, क्योंकि इधर जो है पावर 2 है तो बराबर के इस पार जाता है तो ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 25, ठीक है दोस्तों। तो एसी का मान हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 इकाई जो है हम लोगों का एसी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण की जगह पर हम लोग जो है अब 5 रख देंगे, ठीक। अब हम लोगों के त्रिभुज में सभी मान जो है ज्ञात है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या प्रयोग करना है, उसको जो है हम लोग एक किनारे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोग का प्रयोग है दोस्तों, टैन ए, ठीक है। तो टैन ए तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहां से टैन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार यहाँ से क्या निकल जाएगा, लंब 3 है, आधार जो है 4 है, 3/4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक ही बार टैन का दोनों मान निकल गया, ठीक। कास का मतलब क्या होता है दोस्तों, कास ए, ठीक है। तो कास का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार 4 दिया गया है, कर्ण 5, तो हो जाएगा 4/5। आप लोग ये जरूर लिखेंगे दोस्तों कि कास ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले आप लोगों के क्वेश्चन में बता दिया है पहले से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है साइन ए का मान निकालेंगे, ये भी आप लोग जानते हैं साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान 5, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 3/5। इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारे मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले इसका मान निकालेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, बाद में इसका जो है राइट हैंड साइड में, ठीक। इसका मान जो आएगा उसी के बराबर अगर इसका आएगा तो समझ लीजिए कि ये दोनों जो है बराबर हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं हम लोग 1 - tan² a / 1 + tan² a, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यह है दोस्तों कि जो हम लोगों का टैन का मान निकला गया है, उसी का जो है वर्ग निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 - लिखा था माइनस लिख दिया, टैन का मान है 3/4, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक, प्रश्न के अनुसार, ठीक से, बटे सबका 1, फिर प्लस लगा है प्लस लगा दिया, टेन स्क्वायर ए मतलब 3/4 यही, ठीक है। 3/4 का जो है स्क्वायर, केवल बीच में प्लस का अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां शुरू करते हैं 1 - ठीक है, 3 * 3 = 9 होता है, 4 * 4 = 16, ठीक है, 9/16 कर देंगे, ठीक है, बटे 1 प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, 3 * 3 = 9, 4 * 4 = 16, 9/16 कर दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों को ये पहला, ये ऊपर वाला सॉल्व करना बता रहा हूँ, 1 - 9/16 है, तो पहले जैसे जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब उसके नीचे 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा, तो इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हमेशा जो है 16 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक संख्या 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, केवल यही जो है एलसीएम आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिए, 9 का गुणा 9 में
9 का गुणा 1 में किया तो 9 आ गया, तो 16 माइनस 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा बटे 16 आ जाएगा, 7 बटे 16 यहाँ से आया। ठीक है, तो ऊपर जो है हम लोगों का 7 बटे 16 आ गया है, और नीचे दोस्तों ये जो प्लस का चिन्ह है इस हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह हो जाएगा 16, यही से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से केवल चिन्ह परिवर्तन है। ठीक है, तो 16 प्लस 9 बटे 16, ठीक है, तो 16 9 25 हो जाएगा बटे 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 25 बटे 16। ठीक है, इसके बाद में इसको दोस्तों सॉल्व करना है, तो जो है हर में दोनों के 16 दिया गया, तो 16 हम लोग काट देते हैं। अगर आप लोग इसको सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जो है बता देता हूँ, ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिखा नहीं होगा आप लोगों को, यहाँ पर माइनस चिन्ह था, यहाँ पर प्लस चिन्ह था, केवल दोनों में इतना अंतर था, तो यहाँ पर जो घटाया था वो यहाँ पर यही जोड़ लिया, बाकी सेम चीज है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे 7 बटे 16 है, सबका बटे जो है 25 बटे 16 है, तो इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, नीचे वाले को जो है ऊपर अगर ले जाना होता है गुड़े में करना, क्योंकि ये भाग में है, तो अगर इसको गुड़े में करेंगे तो नीचे वाली चीज जो है ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली चीज जो है नीचे हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा यहां से 7 बटे 16 गुड़े, क्योंकि ये भाग में था गुड़े में कर दिए, तो गुड़े में हो जाएगा 16 बटे 25। ठीक है, यहां देख रहे होंगे कि 16 नीचे था लेकिन हम लोगों ने जो है ऊपर कर दिया, अब यहां से 16 से 16 कर दिया, बचा 7 बटे 25, यही ठीक मैंने जो है यहां पर किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 7 बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आया, 7 बटे 25। ठीक है, अब हम लोग जो है दोस्तों दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, ये दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस ए का मान यहां पर क्या दिया गया है, लिख लेते हैं पहले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस का मान जो है 4 बटे 5 दिया गया, तो 4 बटे 5 लिख लिया, प्रश्न में जो है स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन का मान दिया गया है 3 बटे 5, प्रश्न में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बटे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों का हर बराबर है इसलिए दोस्तों लघुत्तम जो है 25 ही हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 ऐसे डायरेक्ट 16 माइनस 9 लिख देंगे। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और नीचे 25 है तो 25 आ जाएगा, मतलब इसका मान भी 7 बटे 25 आया, तो अर्थात क्या हुआ दोस्तों, दोनों जो है ये बराबर हैं। ठीक है, 7 बटे 25 और 7 बटे 25, मतलब इनका मान और इनका मान जो है बराबर है, तो यही लिखना है कि हाँ इसका मान जो है बराबर है। ठीक है, यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी चीज आप लोगों को जो है भिन्न हल करना जो है आना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं आप लोग, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है दोस्तों, आप लोग दिल खोलकर उसमें हमसे जो है कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अपने जो है सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर इतना हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसमें लिख दिया गया एबीसी त्रिभुज है, बी कोण समकोण है, तो हम लोग पहले से ही जो है बी को समकोण बना लेंगे। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ये हम लोग का ए कोण है, जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ये हम लोगों का जो है आधार होगा क्योंकि यही संलग्न भुजा है। ठीक है, ये लंब होगा क्योंकि यह सम्मुख भुजा है, और ये कर्ण होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग टेन ए के हिसाब से मान रख देते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों लाल बटे कक्का के बारे में, ठीक है,
ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए, क्योंकि टेन का मान दिया गया इसलिए टेन वाले से तुलना करेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो वन जो है लंब है और रूट थ्री जो है आधार है। ठीक है, तो लंब का मान जो है वन रख दिया और आधार का मान रूट थ्री रख दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है इसका ठीक अगला स्टेप क्या करेंगे, जो तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं है उसको जो है सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं आप लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को पता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि आधार और लंब इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि दोनों के सामने जो है प्लस का चिन्ह है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा जो है स्टार्टिंग में जब सूत्र लिखेंगे तो कर्ण को बराबर के इसी पार रखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जो है अपने हिसाब से इसको जो है पक्षांतर कर लेंगे, जो हम लोगों को निकालना होगा ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों को दोस्तों यहां पर भी कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा एसी का स्क्वायर, क्योंकि एसी ही हम लोगों का कर्ण है, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार जो है अंडर रूट तीन है तो तीन का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट तीन का स्क्वायर प्लस लंब जो है वन है तो वन का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अंडर रूट तीन का स्क्वायर मतलब होता है दोस्तों अंडर रूट तीन गुड़े अंडर रूट तीन, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन ही होता है। ठीक है, इसको मैंने इसलिए थोड़ा विस्तृत लिख दिया कि आप लोग जो है समझ पाए, अभी मैं समझा रहा हूं। देखिए, जब दो चीजें जो है एक ही साथ में गुड़े में लिखी हो और उनका पावर जो है उनका घात जो है सेम हो, जब दो चीजें या दो अंक एक साथ में गुड़े में लिखे हों और उनकी घात समान हो तो घातें जो है जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है घात एक बटे दो, ठीक है, इसका भी घात एक बटे दो, तो दोस्तों एक बटे दो और एक बटे दो दोनों घात जो है आपस में जुड़ जाएंगी और यहां पर जो है एक बटे दो और एक बटे दो जोड़ने पर क्या होता है एक बटे दो प्लस एक बटे दो क्या हो जाएगा, दो नीचे जो है हर समान है, ठीक है, और एक जो है दो हो जाएगा, दो बटे दो मतलब हो जाएगा वन। ठीक है, मतलब इसका घात जो है वन आ जाएगा, तीन का घात जो है वन आ जाएगा और किसी का घात वन हो इसका मतलब जो है वही संख्या रहती है, प्लस वन जो है पहले से दिया गया। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों तीन प्लस एक बराबर हो जाएगा हम लोग का चार। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों का है एसी का स्क्वायर मिला है। ठीक है, यहां से जो है दोस्तों ठीक एसी का स्क्वायर मिला है। अब एसी का मान यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट चार। ठीक है, अंडर रूट चार और चार का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों दो होता है, मतलब एसी का मान यहां से जो है दो आ गया। ठीक है, देख रहे होंगे दोस्तों आप एसी का मान जो है अंडर रूट चार पहले आया। ठीक है, तो चार का वर्गमूल जो होता है वो दो होता है, इसका मतलब एसी का मान जो है हम लोगों का दो आ गया, मतलब कर्ण का मान जो है दो आ गया, दो हम लोग जो है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों के त्रिभुज की सभी भुजाएं जो है ज्ञात हैं, अब हम लोग आगे कुछ भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है पहला प्रश्न जो है पहले लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए मतलब ए कोण से जो है साइन और कॉस दोनों निकालना है, उसके बाद में सी कोण से जो है साइन और कॉस दोनों निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हम लोगों का साइन, आप सभी को पता है ये हम लोगों का होता है कॉस और ये होता है टैन। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हम लोग जो है निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए साइन का मान निकालना है, साइन ए का मान, तो साइन ए का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एक है, यहां पर लिख देते हैं, देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है एक है, कर्ण क्या है दो है। ठीक है, तो एक बटे दो आ गया। ठीक, अब कॉस ए का मान, क्योंकि अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस का भी मान निकाल लेते हैं, इसी साथ में लगे हाथ, तो कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार जो हम लोग का अंडर रूट तीन है, कॉस ए बराबर अंडर रूट तीन बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, तीन बटे दो अंडर रूट तीन बटे दो। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें भी कॉस ए और साइन ए का मान निकालना था, तो कॉस ए और साइन ए का मान हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन अभी हम लोग को सी से जो है भी सी से भी निकालने हैं, साइन सी और कॉस सी से, ठीक है। तो अब जब हम लोग यहाँ पर सी सी को कोण मानेंगे दोस्तों, जब ये सी एंगल लेंगे तो ये जो यहाँ पर पहले से लंब है ये हम लोगों का आधार हो जाएगा, क्योंकि सी की संलग्न भुजा जो है ये हो जाएगी, ठीक है, बीसी हो जाएगी, ठीक। तो यहां से जब साइन सी निकालेंगे, साइन सी बराबर तो लंब बटे कर्ण तो तब भी रहेगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो ये जो है हम लोगों का आधार हो जाएगा, लंब हम लोगों का ये हो जाएगा। एक और त्रिभुज बना देते हैं, नहीं तो आप लोगों को जो है कंफ्यूजन होगी दोस्तों, बना ही देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ए बी सी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, सी कोण की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग का आधार जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ण, ये तो पहले से है, ठीक है। बाकी मान वही रहेंगे, आधार का मान यहाँ एक ही रहेगा, ये अंडर रूट तीन रहेगा और ये जो है दो रहेगा, ये जो सब दिए हैं उतने ही रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये अंडर रूट तीन है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने जो है आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो अब साइन सी का मान जो है यहां से निकालेंगे इस त्रिभुज से, तो अब यहां पर सही लिखा गया है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण होता है, यहां पर लंब क्या दिया गया, अंडर रूट तीन दिया गया, अंडर रूट तीन हो जाएगा, और कर्ण का मान जो है दो दिया गया है, दो हो जाएगा, अंडर रूट तीन बटे दो हो जाएगा, ठीक ठीक। इस तरीके से जो है कॉस सी का मान भी निकालना है, तो कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार वन है और कर्ण जो है दो है, तो हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सारे मान निकाल लिए हैं दोनों त्रिभुज से, ठीक है। अब हम लोगों को जो है क्वेश्चन हम लोग अपना जो है लगाना है, पहले पहला लगाते हैं, मान रख देते हैं साइन ए का मान क्या दिया गया, साइन ए का मान वन बाय टू दिया गया है, तो वन बाय टू बीच में ये जो है पॉइंट लगा इसका मतलब गुड़ा होता है दोस्तों, तो गुड़ा लगा दिया, ठीक है। कॉस ए का मान जो है, कॉस सी का मान यहाँ लिखना है, तो कॉस सी का मान जो है वन बाय टू होता है, ठीक है, तो वन बाय टू मिल गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, कॉस ए का मान लिखना है, कॉस ए का मान हम लोगों ने अंडर रूट थ्री बाय टू लिखा है दोस्तों, तो अंडर रूट थ्री बाय टू लिख दिया। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। उसके बाद में जो है तो साइन सी का मान लिखना, तो साइन सी का मान अंडर रूट थ्री बाय टू लिखना था, लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग जो है हल करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि दोस्तों ये गुड़े में है तो इसलिए जो है ऊपर का गुड़ा ऊपर, नीचे का गुड़ा नीचे हो जाएगा, वन का गुड़ा वन में हो तो वन ही हो जाएगा, और दो का गुड़ा दो में हो तो चार हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दिए, दो का गुड़ा दो में होता है दोस्तों तो नीचे चार हो जाएगा, और अंडर रूट तीन का गुड़ा अंडर रूट तीन में होगा तो हो जाएगा तीन केवल, जैसा कि मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि केवल तीन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इस तरीके से जो है इनका दोनों का आपस में गुणा तो केवल तीन हुआ, ठीक है। अब यहां से दोस्तों क्योंकि हर बराबर है तो इसका लघुत्तम भी बराबर होगा, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, ऊपर जो है सीधा सीधा जोड़ लेंगे वन प्लस थ्री, ठीक है। यहां से निकल जाएगा हम लोग का दोस्तों चार बटे चार, ठीक है, तीन एक चार हो जाएगा ना, तो चार बटे चार। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जब सेम संख्या होती है, सेम संख्या बटे सेम संख्या, तो चार का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे चार आ जाएगा, मतलब इसका मान जो है वन आ जाएगा, ठीक है। ये पहला हम लोगों का आंसर आया है, ठीक है दोस्तों, पहले का आंसर जो है वन आ गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों जो है दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कॉस ए, कॉस ए का मान हम लोगों का क्या है, अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है। उसके बाद में कॉस सी, कॉस सी का मान दोस्तों एक बटे दो है, गुड़े में, यहाँ पॉइंट का मतलब गुड़ा है तो गुड़े में वन बाई टू लिख दिया, ठीक। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को लिखना है साइन ए का मान, तो साइन ए का मान जो है वन बाई टू दिया गया है तो वन बाई टू लिख लिया। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। साइन सी का मान लिखना है तो साइन सी का मान अंडर रूट थ्री हम लोगों ने, अंडर रूट थ्री बाय टू हम लोगों ने निकाला है, ये लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ऊपर का गुड़ा ऊपर होगा, नीचे का गुड़ा नीचे होगा, क्योंकि गुड़े का चिन्ह बीच में है, ठीक है। तो दो का गुड़ा दो में होगा तो चार हो गया दोस्तों, अंडर रूट तीन का गुड़ा एक में होगा तो अंडर रूट तीन ही रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर एक में गुड़ा होता है तो वही संख्या रहती है, ठीक है।
उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस लगा दिए। नीचे का गुणा नीचे होगा, दो दुना चार हो जाएगा, और अंडर रूट तीन का गुणा एक में होगा तो अंडर रूट तीन ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दोनों का हर जो है समान है, तो चार लिख दिया समान था। उसके बाद अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आप सभी को पता है कि ऊपर अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एक में से एक घटाने पर जीरो आता है। ठीक, इसी तरीके से ऊपर वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या जो है सेम सेम है, घटा दिए तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा जीरो, नीचे हो जाएगा चार, दोस्तों जीरो बट्टे चार आया। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप सभी को पता है दोस्तों कि जीरो में किसी भी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान जो है जीरो आता है। ठीक है, यह हम लोगों का जो है सेकेंड वाला आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं दोस्तों, इसके विपरीत अगर जो किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाता है, जैसे चार में जीरो से भाग देते तो इसका मान जो है अनंत आता, क्योंकि जीरो बहुत छोटी संख्या होती है इसकी अपेक्षा में, तो जीरो जो है चाहे जितनी बार जो है इससे जो है भाग करे अनंत आएगा। ठीक है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है अपना दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है दोस्तों, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसे जो है हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सभी सवालों का जो है जवाब दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं हम लोगों का अगला सवाल क्या है। यह है हम लोगों का दोस्तों अगला सवाल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है दोस्तों एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, कहा गया है क्यू कोण समकोण है, तो हम लोग जो है इस जगह पर क्यू रखेंगे, बाकी यहां पर पी रख दिए और यहां पर आर रख दिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर के मान इकट्ठे दिए गए हैं। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का मान इकट्ठे दिया गया। ठीक है, और पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जैसे हम लोग जो है इस कोण की बात कर रहे हैं, जैसे पी कोण की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का आधार हो जाएगा, ये आप लोगों का लंब हो जाएगा और ये आप लोगों का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग पी कोण के बारे में बात कर रहे हैं तब। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको क्योंकि हम लोगों की सभी भुजाएं ज्ञात नहीं, तो सबसे पहले जो है हम लोग सभी भुजाओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हम लोगों को छोटा सा समीकरण दिया गया है, तो यहां से हम लोग जो है क्योंकि दो मान इकट्ठे दिए गए, तो दो साइडों के मान इकट्ठे दिए गए, तो हम लोग जो है यहाँ से एक साइड का मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ से पी आर का मान निकाल लेते हैं, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर इधर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हम लोगों का जो है यहाँ से पी आर का मान निकल गया। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो दोस्तों आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप सभी को दोस्तों धीरे धीरे ये सब पता हो गया होगा, हम लोग जो है कई दिनों से इसको जो है पढ़ रहे हैं, मतलब कई लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ये सब जो है अब अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी ये आप लोगों के हिसाब से ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा, तो इसे मैं जो है अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, कर्ण इसमें क्या दिया गया है, पी आर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार क्या है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब क्या है क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से मान रख देते हैं, पी आर का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, पी आर का मान यहां पर हम लोगों का है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस
qr, ठीक है, क्योंकि पूरे का वर्ग दिया गया, मतलब pr का वर्ग दिया गया, तो पूरे का जो है हम लोग वर्ग निकाल लेंगे बराबर, क्योंकि पी को का मान जो है दोस्तों पहले से 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यू आर नहीं दिया गया, तो क्यू आर को जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दो इसको सॉल्व करना है, तो आप सभी ने दोस्तों बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है, ठीक है। इसी फार्मूले में हम लोग जो है इसका विस्तार कर देते हैं। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर दोस्तों होता है 625, आप लोग गुणा करके 25 × 25 चेक कर लेंगे, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए का मान 25 है इंटू बी का मान क्यू आर है, ठीक है, लिख लिए, ठीक है। ये तो केवल इतने का विस्तार था, ठीक है। उसके बाद बराबर के इस पार जो है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह बीच में प्लस लगा दिया, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 625 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 × 50 हो जाएगा क्यू आर, साथ में है तो क्यू आर ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है, बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्यू आर इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, एक को जो है उस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो 625 मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, एक साथ में कोई दो चीज नहीं लिख रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो 625 को इधर रखने देते हैं, इसको उधर भेजेंगे, तो ये बचेगा, तो यहाँ पर माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर भेजेंगे इसको, तो पहले 25 लिख देते हैं, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये इधर अब आ गया, माइनस इधर प्लस में था तो इधर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है स्क्वायर है, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि एक ही सेम चीज है, क्यू आर इसका स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये दोनों जो है आपस में घट जाएंगे, मतलब इन दोनों का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग का बच्चा दोस्तों अब यहां पर जीरो होगा, ठीक है। अब इस 25 को जो है बराबर के इस पार ले आएंगे, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 625 माइनस 25, और इस प्लस वाले को जो है माइनस 50 क्यू आर ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर इधर अब कुछ नहीं बचा, जीरो, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, 625 में से 25 घटेगा तो हम लोगों का हो जाएगा 600, ठीक है, 625 में से 25 घटा दिए तो हो जाएगा 600, ठीक है, माइनस 50 क्यू आर बराबर जीरो। अब इस 50 क्यू आर को उधर भेज देंगे बराबर के, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है दोस्तों। हम लोग को क्यू आर का मान निकालना है, तो 50 को जो है इधर भेज देंगे, 50 इधर जो है गुड़े में है, इधर आएगा बराबर के, तो भाग में हो जाएगा, तो 600/50 हो जाएगा बराबर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से दोस्तों 5 × 6 = 30, पांच जीरो से जीरो पहले काट देंगे, 5 × 60, ठीक है, 12 × 5 = 60 होता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों 5 × 60 मतलब 12 आ जाएगा, यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, क्यू आर बराबर 12 हो जाएगा। आप लोग कहीं भी भाग देकर जो है देख सकते हैं, यहाँ से चाहे आप ही दिखा देता हूँ, 600/50 तो इससे एक काट दिए, 5 × 60 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यू आर का मान 12 आ गया। अब दोस्तों जो है क्यू आर का मान जो है 12 आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से पी आर का मान जो है हम लोग असली में निकाल सकते हैं, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान रख दिए तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर का मान दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 25 में से 12 घटेंगे तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ से पी आर का मान जो है 13 आ गया। अब दोस्तों सभी मान जो है रख देते हैं, पी आर का मान जो है यहाँ पर 13 आ गया, और क्यू आर का मान जो है 12 आ गया, पहले से ये रख दिया।
आप लोग यहां से देख भी पा रहे होंगे कि ये मान आपस में सही है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो क्योंकि कर्ण का मान 13 आया, सबसे अधिक आया, ठीक है। लंब का कम आया है और उसका आधार का भी कम है, ठीक है। आप सभी मान ज्ञात हैं, अब हम लोग अन्य मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों एक चीज, लंब ये एल ए एल बाई के ए, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, ये आप लोगों का साइन का होता है, ये कास का और ये टैन का, ठीक है। साइन पी निकालना, क्योंकि इसी कोण के लिए निकालना है, तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान देखिए साइन पी बराबर हो जाएगा, लंब का मान यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, 12 दिया गया है, देखिए लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान यहाँ पर दिया गया है 12, कर्ण का मान दिया गया है 13, तो 12/13 आ जाएगा। कास पी का मान दोस्तों, कास पी होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है दोस्तों, 5 है, कर्ण जो है 13, तो हो जाएगा 5/13। और दोस्तों टैन पी का मान, ठीक है, टैन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो दोस्तों लंब का मान क्या दिया गया है, 12 दिया गया, आधार का मान जो है 5 दिया गया, तो 12/5 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, जो हम लोगों के प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न जो है सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जो है बिल्कुल खुला है, आप लोग उसमें जो है कुछ भी अपने सिलेबस से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे इसी तरीके की सीरीज की एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।